पिछले वीडियो में आपने देखा वाटर पार्क के कुछ शानदार दृश्य। अब आप देखने वाले हैं माउंट आबू के दृश्य। हम आबू रोड पहुंच गए हैं और वहां से हमने ले ली है एक वैन जो कि हमें माउंट आबू छोड़ेगी। अराउंड 23 किलोमीटर्स है और आपको ये चार्ज करेंगे करीबन 1200 रुपए नीचे से ऊपर का वन टाइम। चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं माउंट आबू में हमने क्या क्या धमाल किया और यहाँ के कुछ शानदार जगह। ये जो 23 किलोमीटर है ना, ये काफी टफ होते हैं। नीचे से ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपको उल्टियां आ सकती है। काफी जनों ने तो वॉमिट कर दी है, मैं थोड़ा यूज्ड टू था बस। हम एंटर कर चुके हैं माउंट आबू और माउंट आबू में हमने होटल ली है पारस न्यू। होटल काफी अच्छी थी और रिजनेबल भी थी। इसके अंदर हमें इन्होंने प्राइवेट रूम्स दे दिए थे जहाँ पे किसी का ना आना होता है ना जाना होता है। वो पूरा एरिया मतलब 2 दिन के लिए हो गया है हमारा। पास में एक गार्डन भी हमें फ्री मिला ये, और ये टेरेस रूम्स है। बस इसमें एक ही दिक्कत थी कि इसके अंदर एयर कंडीशनर नहीं था, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि माउंट आबू ऑलरेडी काफी ठंडा होता है। और रूम आप देखिए कितना शानदार है और बड़ा भी काफी। एक रूम हमें मिला है 4 ऑक्यूपेंसी में, मतलब एक रूम के अंदर 4 जने रह सकते हैं। इस हिसाब से हमने 2 रूम लिए हैं। व्यू भी शानदार है और बाथरूम भी एकदम शानदार है। टोटल दोनों रूम का एक दिन का चार्ज लगा है कुछ 3000 रुपए, मतलब एक रूम का 1500 रुपए और दूसरे रूम का 1500 रुपए। ये देखिए, ये हमारा प्राइवेट एरिया है जहां हम पार्टी कर सकते हैं। इतना बड़ा माउंट आबू है, इस माउंट आबू में हम पैदल तो घूम नहीं सकते, इसलिए हमने रेंट पे ली है एक्टिवा। अगर आप सीजन के टाइम पे आते हैं तो ऑलमोस्ट 500 रुपीज एक दिन का चार्ज ये करते हैं, लेकिन हमने 200 में ले लिए एक दिन के लिए। अब हम निकल गए हैं होटल से और सबसे पहले हम जा रहे हैं नक्की झील के पास में। ये झील ऐसी है कि सर्दियों में तो ये पूरी तरीके से जम जाती है, बर्फ नहीं जमती है, ऊपर एक लेयर आ जाती है बर्फ की बस। लेकिन नक्की झील पे जाने से पहले हम जाएंगे पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा तेज लगी है। नक्की झील से कुछ दूरी पर ही ये फूड इन करके रेस्टोरेंट है, हम यहीं पे अपना लंच लेने वाले हैं। लंच करने के बाद हम आगे बढ़े हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, जहां पे हमने की है हॉर्स राइडिंग। ये चार्ज करते हैं कुछ 150 रुपीज पर हॉर्स का, नीचे से लेके ऊपर तक छोड़ेंगे आपको पॉइंट तक, वहां से आपको पैदल ही आना पड़ेगा। जाते टाइम थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, इसलिए हमने तो हॉर्स राइडिंग ले ही ली। काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हॉर्स का, और जो हॉर्स के ओनर थे वो भी काफी अच्छे थे। फिर वहां जाके हमने लिया ये पाइनएप्पल जो कि खट्टा मीठा था और काफी टेस्टी भी था। ऐसी जगह आके ऐसा लाइट चीजें खाना काफी अच्छा होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सनसेट। ये देखिए, ये सामने हो रहा है आपका सनसेट जो हो चुका है। सनसेट के बाद हम आ गए हैं नक्की लेक पे। ये है सबसे मेन जगह माउंट आबू की, यहाँ पे सबसे ज्यादा रश रहता है इधर, और वाटर स्पोर्ट्स भी हैं थोड़े, तो काफी लोग यहीं पे आना पसंद करते हैं। अभी जितनी भीड़ आपको यहाँ दिख रही है ना, इससे 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है शाम को, क्योंकि काफी अच्छी लाइटिंग भी होती है और काफी अच्छा मौसम भी होता है। लेकिन बोटिंग काफी महंगी होती है यहाँ पे, करीबन 400 से लेके 600 तक। एक चीज और बता दूँ, राजस्थान के न्यूली वेडेड कपल्स ना माउंट आबू जाना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। हनीमून डेस्टिनेशन भी है राजस्थान का। खैर, आपको शाम को फिर से दिखाएंगे वहां जाके। अभी चलते हैं थोड़ा आगे भ्रमण करने के लिए। घूम फिर के हम आ गए हैं वापस नक्की लेक के सामने। ये है टर्क लिंक करके आइसक्रीम कॉर्नर। ये एक टर्किश आइसक्रीम है जो कि काफी मजेदार भी है और इंटरेस्टिंग भी, काफी टाइम पास हो जाता है यहाँ पे, और तो टेस्ट भी काफी अच्छा है इनकी आइसक्रीम का। नक्की झील से हम जब बाहर निकले, सामने हमें टर्क लिंक आइसक्रीम देखी, काफी करतब दिखा रहे थे। ये शिमला में मिली बार हम मिस कर गए थे, कर नहीं पाए। माउंट आबू में ये चीज मिल गई है, तब देखते हैं यहाँ कैसे करता है। ये एक कॉपी ऑफ है इसका, टर्किश आइसक्रीम का, देखते हैं चलिए कैसा है ये।
आपने यहाँ तक तो देखा कि आइसक्रीम कैसे आई। एक जो आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि ये बोलते क्या ईवड़ी बीड़ी जलेले पसंद क्या क्या है क्या भैया वैसे ही है कि है क्या वैसे मतलब आप जो ईवड़ी ईवड़ी एक टर्किश लैंग्वेज में आइसक्रीम टर्किश लैंग्वेज में ईवड़ी और वेलकम जैसे हम लोग वेलकम बोलते हैं ना उसको पीरू बोला जाता है। ये मतलब ये टर्किश आइसक्रीम टर्किलिंग ये दोनों फर्क है, दोनों अलग अलग ब्रांड है। ब्रांड सेम ही आइसक्रीम की क्वालिटी भी सेम ही होती है सर। ये क्या होता है कि ब्रांड का नाम चेंज होती है, अब कॉपीराइट लग जाती है ना, इस वजह से ये टर्किंग टर्किश ऐसे टर्किशियानो टेस्किंग इसको ऐसे कर करते हैं इंडिया में। ये टर्किश कैप ही है। हाँ ये टर्किश कैप है, इसके साथ टर्किश जैकेट भी आती है। हमारे पास फ्लेवर कौन कौन से हैं? हमारे पास वनीला स्ट्रॉबेरी बटरस्कॉच कुकी एंड क्रीम चॉकलेट चोको चिप्स काजू द्राक्ष मैंगो आलमंड कैरमल और अमेरिकन अमेरिकन नट्स। ओके काफ़ी अच्छे अच्छे भैया, थैंक यू सो मच, मज़ा आया। नाम क्या है सर आपका? आप नक्की झील में अगर आते हैं तो भानू जी से जरूर घंटी में ही बैठा था। भानु जी जरूरी है, आइसक्रीम खाइएगा मजा आ जाएगा। टर्किलिंग आइसक्रीम से जब आगे बढ़े तो यहाँ पे हॉरर 11D और बहुत कुछ गेम्स हैं। तो हम यहाँ पे तो रुक गए क्योंकि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। नीचे तो बच्चों का था और ऊपर 8D था जो कि हमने लिया है। खैर ये सब आपको अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सारी चीजें आपको एक वीडियो में बता देंगे तो मजा नहीं आएगा, आप भी बोरिंग फील करेंगे और मुझे भी बताने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जय हिंद।